गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। अच्छे, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो अभी हम दीदी गई हुई है आज स्कूल, और मैंने घर का पूरा काम कर दिया, पूरा घर साफ कर दिया है। और मम्मी जी तो आपको पता ही है गाँव में, और कल का मेरा एग्जाम है, तो इसलिए अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो अभी पढ़ाई करते हैं और वेट करते हैं दीदी को। कितना टाइम लगेगा आने में? नहा लिया हूँ, और मतलब नहाए हुए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। और आप सोच रहे हो कपड़े तो चेंज किए नहीं, ऐसा था कहीं जाना है, जाना है नहीं, इसलिए मैंने वही कपड़े डाल लिए हैं, कोई चेंज नहीं किए, क्योंकि मेरे ज़्यादा कपड़े गाँव में ही हैं, मेरे पूरे कपड़े गाँव में ही रह गए हैं। कुछ भी नहीं लेके आया मैं, बस अपना चार्जर ले आया था गाँव में से, जो कि ये लगा हुआ है। और अभी मैं पढ़ रहा था, और दीदी भी स्कूल से आ चुकी हैं, दीदी बगल वाले रूम में पढ़ रही हैं। क्योंकि ऐसा है, जैसे हम दोनों साथ बैठ के पढ़ते हैं ना, तो मेरा बात मन करता है कि उनसे बात करूँ, और उनका मन करता है कि मेरे से बात करूँ, इसलिए हम दोनों बातों में लग जाते हैं फिर से, आप जानती हो। और अभी मैंने फ़ोन चार्ज पर लगा रखा, तो मैंने सोचा एकदम से कि ब्लॉग शूट कर लो, क्योंकि आज भी कुछ ब्लॉग डल नहीं पाया, क्योंकि कुछ शूट ही नहीं हो पाया था इस वजह से। अभी चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल है साइंस का एग्ज़ाम, तो पूरी तैयारी करके तब जाएंगे कल एग्ज़ाम देने। तो बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में मिलते हैं, जब मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो जाए तब मिलते हैं आपसे। गाइस अभी मतलब हम पढ़ के उठे थे, और शाम हो चुकी है बाहर, मतलब अंधेरा हो चुका है हल्का हल्का, हम मतलब सो भी दिन, चुके हैं दिन में। मैं थोड़ी देर सोया, मतलब मैं तो थोड़ी देर लेटा, मेरे को शुरू में बहुत नींद आई, मैं लेटा सोई, नींद उड़ गई। और क्या बोलते हैं, बाहर दिन मुद गया है, मतलब मुद रहा है, मुदा नहीं है अभी। और दीदी कैसा चल रहा है सब कुछ? ओह माय गॉड, कैसा लगा मेरा सर बनाना? ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, पता नहीं कैसा लगा, अब मैं लेकिन कहता सर रहा हूँ कैसा लगा मेरे को खुद नहीं पता। और थोड़े दिनों से बड़ी पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, क्योंकि, और हाँ एक बात बताना तो भूल गया, ये तो सुनो, झूठ गया है। नहीं, तो 26 को एग्जाम खत्म, मेरे कल है 25, परसों है 26, 26 को एग्जाम खत्म, यो बल्ले बल्ले, पार्टी पार्टी, कल भी एग्जाम परसों भी एग्जाम। ओ भाई चटक गई, वो चटक गई जनाब, चटक गई। बल्ले बल्ले ते शावा शावा बल्ले बल्ले ते शावा शावा पियो पियो। मेरी बहन तो होगी पागल पागल, शावा शावा। देख अगर फोन की लाइट मारो मुंह पे तो कितना सुंदर लगता है। अरे कितना बेकार लग रहा है जा कुछ मैं अच्छा वैसे भी मैं तो रात को क्या हो गया था। राय क्या हुआ? राय क्या हुआ? चलो पढ़ रहे यार। यार क्या करो बे, तेरा तो बोली कि कल पेपर है ना। हमको ऐसे ऐसे पकड़नी होती है बे, हम सब तैयारी करके ऑलरेडी रखते हैं, समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे समझ हो ना? तुम्हारी चौखट पर बरात आई तो डोली की जगह आरतियां उठेंगी, आरतियां लाशें बिछा दूंगा पुच्ची बते। सो अभी चलो पढ़ लेते हैं, हाथ में दर्द होने लगे, 1 क्विंटल फोन उठाने में, समझ रहे हो ना, ये दर्द करने लग गए। ये देखो ये चलेगा यहाँ कंप्यूटर माजा। पहले ये सेट होगा फिर उसके बाद ये मशीन है। देखो अभी ये चलेगा तब दिखाऊंगी। अभी खेत मेरा पूरा ना अधक नीचा हो रहा है, और जब एक तार हो जाएगा फिर दिखाऊंगी कि किस तरह से एक तार होता है खेत। ये भैया सेटिंग कर रहे हैं पूरी। ये है, यहाँ से सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर देखना, फिर दिखाऊंगी ये खेत कैसा हो जाएगा। यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो पूरे खेत में पहुँच जाएगा, वहाँ वो पेड़ खड़ा है वहाँ। अभी ये खेत हो रहा है एक जैसा, तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो चुका है। हम कितने बजे आए थे? 4:04 पर ट्रैक्टर चालू हो गया था इधर, और अभी देखो कम से कम 2.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी खेत एक जैसा नहीं हो पाया है, अभी भी प्लान होने में टाइम लगेगा। और ये अभी ट्रैक्टर चल रहा है, देख सकते हैं आप, ये ट्रैक्टर चल रहा है, और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं आप देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है,
प्लान होने के बाद बहुत ख़राब सा हो गया था खेत। अभी सही हो रहा है, ये चल रहा है अभी। पता नहीं एक घंटा तो लगभग जहाँ तक है, मुझे उम्मीद कि एक घंटा और लग जाएगा शायद। देखो पहिए उसके कैसे उठ जाते हैं, क्योंकि वो सूप के अंदर ना मिट्टी भर जाती है। अब मिट्टी जैसे ही भर जाएगी, ज़्यादा वजन हो जाएगा, पहिए उठ जाएंगे ऊपर। धीरे धीरे मिट्टी ख़त्म होती जाएगी, पहिए नीचे आते जाएंगे। देखो पहिए आगे नीचे, ये है इसकी कलाकारी। हर चीज़ कंप्यूटर चल गई, हर चीज़ कंप्यूटर। देखो और आज रात को इसमें लगेगा पानी, तो पानी छोड़ देंगे हम, जाके घर सो जाएंगे और सुबह आके देखेंगे। तब तक पानी हो जाएगा फुल, तब करेंगे हम इसको बंद। फिर इसमें पाएंगे मूंग, फिर आपको दिखाएंगे हम मूंग की खेती कैसी है। हमारी सरसों की खेती तो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, अभी मूंग की खेती दिखाएंगे अपनी, मूंग की खेती कैसी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी खेती अच्छी होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी खेती होगी।